काहरा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मिस्र में रमजान अल मुबारक के दौरान मसीहियों को खाना देने से इनकार करने पर रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। मिस्र के मारूफ अल तहरीर रेस्टोरेंट की एक ब्रांच के खिलाफ एक मसीही खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इसके अमले ने रोजे के औकात में उसे और उसके बच्चों को खाना देने से इनकार कर दिया था। मिस्री हकाम ने इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए अल तहरीर रेस्टोरेंट की इस ब्रांड को बंद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक्य पर रद्द अमल देते हुए जामे अल अजहर के सरबराह शेख अहमद अल तैयब का कहना है कि मिस्र में मुसलमानों और मसीहियों के बाहमी ताल्लुक पर मुझे बहुत खुशी होती है जो मजहब को बहुत दुरुस्त अंदाज में समझते हैं। रोजे के औकात में गैर मुसलमों को खाने पीने से रोकना अहमकाना हरकत है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।